वेलकम क्लास 7 स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 13.2 करते हैं बच्चों आज, ठीक है। वो क्या है, जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हमने पिछले क्लासों में डिस्कस किए थे तो उस पर डिपेंडेंट है ये क्वेश्चंस। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप कोई क्वेश्चंस को सॉल्व करें इस तरह के क्वेश्चंस को, तो जिस लॉ का इस्तेमाल किया गया है उस लॉ को हमेशा दाहिनी ओर ब्रैकेट में उस लॉ को लिख लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका जो है जो लॉज, जो अप्रोप्रिएट लॉज है यूज करना आपके दिमाग में हमेशा से एक फिक्स स्थान पा जाएगा, है ना। तो देखिए क्या है, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पर पूरा सॉल्व नहीं करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर लिख देना है ना। तो देखिए, 3 to the power 2 इंटू 3 to the power 4 इंटू 3 to the power 8। तो आप क्या करिए, पहले इन दोनों को साथ में ले लीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 to the power। देखिए बेसिस सेम है, पावर डिफरेंट है। आपको पहली चीज क्या देखनी है, बेस देखना है और पावर देखना है। बेसिस दोनों में सेम है, पावर डिफरेंट है। पीछे मल्टीप्लाई साइन है तो क्या हो जाएगा, पावर जो है एड हो जाती है। तो ये आ जाएगा 3 to the power 2 plus 4, ठीक है, और इंटू 3 to the power 8। ये पहले से अपनी जगह पे रहा है ना। अब उसके बाद क्या है, अब 3 to the power 6 हो गया ये। ये क्या हो जाएगा, 3 to the power 6 इंटू 3 to the power 8, ठीक है। तो फिर से आप इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे कि अगर बीच में मल्टीप्लाई साइन हो और बेसिस सेम हो और पावर्स डिफरेंट हो, तो पावर्स ऐड कर दी जाती हैं और बेस को एक बार लिख दिया जाता है। तो 6 plus 8, तो ये आ जाएगा 3 to the power 14, ठीक है। इस तरह से कर लिया हमने इस क्वेश्चन को, और राइट हैंड साइड में ब्रैकेट में हमने इस लॉ को लिख दिया जिस लॉ का इस्तेमाल करके हमने इसको सॉल्व किया। या आप डायरेक्टली ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि तीनों बेस कॉमन है, यहाँ पर तीनों बेस एक जैसे हैं, तो पावर्स डायरेक्ट बीच में मल्टीप्लाई साइन है, बेसिस सेम है, एक जैसे हैं, है ना। तो आप तीनों पावर्स को ऐड कर दीजिए, 3 to the power 2 plus 4 plus 8, 3 to the power 14, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा क्या है, 6 to the power 15 divided by 6 to the power 10, ओके। तो इसमें देखिए बेसिस सेम है, पावर्स डिफरेंट हैं, बीच में डिवीजन का साइन है बच्चों। तो इसका मतलब क्या है, ये इस प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व करना है, a to the power m divided by a to the power n is equal to a to the power m minus n। यानी कि अगर बेसिस सेम हो और पावर्स डिफरेंट हो और दोनों एक्सपोनेंट नंबर्स की वजह से डिवीजन का साइन हो, तो पावर सब्ट्रैक्ट कर दी जाती है इसी ऑर्डर में। 15 माइनस 10 ऐसा हो जाएगा 6 to the power 15 माइनस 10, यानी कि 6 to the power 5 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि आंसर जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे, तो ये हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, घातांक वाले रूप में ही लिखना है। तो ऐसे नहीं है, इसको आगे सॉल्व नहीं करिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन में सिंप्लीफाई लिखा होता तो आगे सॉल्व करते, कैसे 6 into 6 into 6 into 6 into 6, 5 times 6 को मल्टीप्लाई कर देते, है ना। अच्छा, अब हम बात करेंगे इसके थर्ड पार्ट की। पढ़ाई आसान है भैया, तो a to the power 3 into a to the power 2, तो सीधा सीधा बाय द रूल ऑफ मल्टीप्लाइंग द पावर्स विद द सेम बेस, मल्टीप्लाइंग व पावर्स विद सेम बेस, तो पावर्स विल बी एडेड। तो a टू द पावर m प्लस n, तो a टू द पावर 5 आ गया, m की जगह 3 है, n की जगह 2 है। 7 to the power x into 7 to the power 2, तो फिर से फर्स्ट लॉ से 7 to the power x plus 2 हो जाएगा, है ना, है कि नहीं। हमेशा याद रखिए, ब्रैकेट में आप इतना सब लिखने की बजाय, जैसा लिखा है ना बाय द रूल ऑफ दिस, ये लाइन लिखने की जगह सीधा सीधा आप यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को लिख दीजिए, बस हो गया, है ना, इस लॉ को लिख दीजिए, तो समझ में आ जाएगा भाई इससे सॉल्व हुआ। अच्छा, इसका फिफ्थ पार्ट देखिए, ये देखिए 5 square उसकी पावर 3, 5 to the power 2 उसकी पावर 3। तो जब भी इस तरह का केस आएगा तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बच्चों, पावर्स पावर गेट्स मल्टीप्लाइड। तो 5 to the power 2 to the power 3 क्या हो जाएगा, 5 to the power 2 into 3। तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया था, 5 to the power 6 बन गया, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, 5 to the power 2 to the power 3 divided by 5 to the power 3 हो गया, 5 to the power 6 divided by 5 to the power 3। अब आपका सेकेंड लॉ से है ना, बेसिस सेम है, पावर्स है अलग अलग और डिवीजन साइन है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 5 to the power 6 minus 3 that is 5 to the power 3,
ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने लिखना है। ठीक, तो ये सब लिखने की बजाय आप सीधा सीधा क्या करिए, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं ना बच्चों। आप जैसे ये आया तो अगला स्टेप मैं डायरेक्टली देता हूँ, ये हो जाएगा 5 to the power 2 into 3। ओके, पावर्स पावर मल्टीप्लाई हो जाती है ना, और बाकी का हिस्सा ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, बाकी का हिस्सा ऐसे ही रहने दीजिए, डिवाइड बाय 5 to the power 3, और ब्रैकेट में दाहिनी ओर इसको, इस लॉ को लिख लीजिए, राइट हैंड साइड में यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, अब ये हो गया 5 to the power 6, है 5 to the power 6 डिवाइडेड बाय 5 to the power 3। ओके, तो अब यहाँ से क्या कर लेना है आपने, अब आप देखिए यहाँ पर कौन सा रूल लग रहा है, सेकंड रूल लग रहा है, बेसिस सेम है, डिवीजन साइन है, पावर्स घट जाएंगी, तो 5 to the power 6 - 3। अब हमने क्या किया, इस लॉ को, ये जो लॉ है यहाँ पर राइट हैंड साइड में ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, ऐसे करना ज्यादा अच्छा है, लिखने की बजाय सेंटेंस कुछ नहीं लिखी, आप सीधा सीधा लॉ लिख दीजिए बस, तो 5 to the power 3 इस तरह से आप सॉल्व करिए। ठीक है बच्चों, इस तरह से करना है, या आप ऐसे भी लिखिए, ये भी अच्छा लग रहा है इस तरह से, है ना, पूरा एक्सप्लेन करते हुए लिखा हुआ है सॉल्यूशन को। अब देखिए 2 to the power 5 into 2 5 to the power 5, तो पहली चीज देखिए यहाँ पर पावर सेम है बच्चों। ठीक है, पावर्स क्या है, सेम है, बेस इज डिफरेंट है, तो ये किस तरह का फॉर्म है, a to the power m into b to the power m टाइप का है, तो ab होल पावर m हो जाता है, ab होल पावर m, है ना। आपने ये रूल पढ़ा है कि अगर a to the power m into b to the power m, यानी कि बेसिस डिफरेंट होने पर और पावर्स एक जैसे होने पर, हम बीच में मल्टीप्लाई साइन है तो क्या होता है, दोनों बेसिस को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों बेसिस को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, होल पावर में जो सेम पावर है उसको एक बार लिख दिया जाता है ना, तो ये हो जाएगा 2 into 5 होल पावर 5। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा कि दो ही तरह के केस हैं बच्चों, या तो बेसिस सेम है, ठीक है, और पावर्स डिफरेंट हैं, या पावर सेम है और बेसिस डिफरेंट है, पर दो ही तरीके की हैं। अगर आप कहेंगे कि सर बेसिस भी डिफरेंट है पावर्स भी डिफरेंट, तो ऐसा कोई लॉ नहीं है बच्चों, याद रखना आप। ठीक है, तो 2 into 5 होल पावर 5, है ना, बेसिस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक बार 5 जो कॉमन पावर है चढ़ा दीजिए, तो 10 to the power 5 हो गया, है ना। इसी तरह से ये भी है 8 to the power 4 into b to the power 4, तो हो जाएगा ab होल पावर 4, ऐसे लिखना है बच्चों, है, ये देखिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है, अगर ab to the power 4 कहेंगे तो वो a into b to the power 4 हो जाएगा, है ना, तो याद रखिए ब्रैकेट लगा लीजिए इस तरह से। ठीक है, तो ab होल पावर 4 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से लिखना है। अब ये क्या है, 3 to the power 4 to the power 3, तो ठीक ही है, ये तो पावर्स पावर वाला रूल है, पावर ऑफ द पावर, है ना, टेकिंग पावर ऑफ द पावर मीन्स दे विल बी मल्टीप्लाइड, पावर्स 8 to the power m into n, तो 3 to the power 4 into 3, तो 3 to the power 12 हो गया। याद रखिए क्वेश्चन में ही कहा गया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में छोड़ दीजिए आंसर को, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही छोड़ दिया हमने। ठीक है, अच्छा, नाइन्थ पार्ट देखिए, पहले आप ब्रैकेट वाली चीज को सॉल्व करिए, पहले आप जो ब्रैकेट में है उसको सॉल्व करिए बच्चों। ठीक है, उसके बाद आगे का स्टेप देखेंगे, तो बाय डिवाइडिंग द पावर्स विद सेम बेस रूल, बाय द रूल ऑफ डिवाइडिंग पावर्स विद सेम बेस, जब दो पावर नंबर्स हैं सेम बेस में हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है ना, तो ये आ जाएगा 2 to the power 5, सिंप्लीफाई करके 2 to the power 20 डिवाइड बाय 2 to the power 15 कैन बी सिंप्लीफाइड एज 2 to the power 5 बाय द लॉ दिस वन, देन बाय अप्लाइंग द मल्टीप्लाइंग द पावर्स विद द सेम बेस, तो अब ये क्या हो गया, तो क्वेश्चन आपका ऐसा हो गया 2 to the power 5 into 2 to the power 3। ठीक है, अब यहाँ पर सेम बेस रूल ऑफ मल्टीप्लाइंग द पावर्स इज सेम बेस, तो सेम बेस पे मल्टीप्लाई है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 to the power 8 आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, ये हुआ, देन नेक्स्ट वन। ठीक है, यहाँ पर जो है कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा डायरेक्ट भी जैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने कि कहा पहले भी, आप डायरेक्ट लिखिए कि आप पूरा का पूरा ही लिखिए ना, ब्रैकेट में लॉ लिख दीजिए, सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया, तो 4 लाइन में इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं, बिना किसी दिक्कत के इसको सॉल्व कर लेंगे, तो स्टेप वाइज, तो आप ब्रैकेट वाली चीज को सॉल्व कर लीजिए ना, ब्रैकेट वाली चीज को सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 to the power 20 - 15 बच्चों, 2
टू द पावर 20 माइनस 15 क्यों होगा? क्योंकि पावर नंबर्स हैं सेम बेस के और डिवाइड कर रहे हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है ना। और ये इस तरह से लिखा, और ब्रैकेट में दाहिनी ओर इस लॉ को लिख दीजिए, जिस लॉ का इस्तेमाल आपने किया उस लॉ को लिख दीजिए। अब ये हो गया 2 to the power 5 यहाँ पर आया और इंटू 2 to the power 3 आ गया। अब यहाँ पर आप लॉ नंबर 1 लिख दीजिए, जिस लॉ से होगा ये दो पावर नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम बेस वाले हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी 2 to the power 5 plus 3, है ना। तो इस तरह से करिए और राइट हैंड साइड में जिस लॉ को इस्तेमाल किया है वो लिख दीजिए, है कि नहीं। ओके, इस तरह से करना है आपको, ठीक है, जो तरीका आपको ठीक लगे उस तरीके से करिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 देखते हैं। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फिर से एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही कहता है। तो इसमें देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस में जब भी कोई इस तरह का क्वेश्चन हो, तो अगर आपको कोई बड़े नंबर दिखाई दे रहे हो, यानी कि जिनके प्राइम फैक्टर किए जा सकते हो, बड़े नंबर का मतलब ऐसे नंबर दिखे जिनके प्राइम फैक्टर्स किए जा सकते हैं, तो उनके प्राइम फैक्टर्स पावर फॉर्म में लिख लीजिए बच्चों। ओके, फिर दूसरा काम क्या होता है, सेम बेस वाले नंबर्स को एक साथ लिख लेते हैं, सेम बेस वाले पावर नंबर्स को एक साथ लिख लेते हैं, फिर कुछ जो अप्रोप्रिएट लॉ होता है वो लगा के सॉल्व कर देते हैं। अब जैसे यहाँ देखिए, 2³ × 3² × 4² / 3/32, तो 32 के फैक्टर आ गए 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि 2 to the power 5। 32 का मतलब 2 to the power 5 और 4 का मतलब 2 to the power 2, है कि नहीं बच्चों। अब आपको क्वेश्चन ऐसे दिया गया तो आपने क्या किया, जो आपके नंबर जिनको प्राइम नंबर्स के पावर फॉर्म में लिख सकते थे, तो 4 को आपने लिख दिया 2² ठीक है, होल अपॉन 3 × अब 32 की जगह आपने लिख दिया 2 to the power 5 बच्चों। अब आप ध्यान से देखिए, ध्यान से क्या देखिए आप, कि सेम बेस वाले में आपका क्या लॉ लग सकता है। जैसे यहां पर देखिए 2³ × 2² इनको मैंने एक साथ लिख लिया है, क्यों लिख लिया है अब आपके समझ में आ जाना चाहिए, कि हम सेम बेस वाला नंबर्स जो पावर नंबर्स हैं वहां पर हम कुछ लॉ लगा पा रहे हैं, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ग्रुप बना लिए सेम बेस वालों के। अब आप देखिए, इस वाले लॉ से e^m (e^n) = e^m+n, है ना, सेम बेस पर मल्टीप्लाई है तो पावर से ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2 to the power 3 plus 2। ओके, होल पावर 2 to the power 5, है ना। और यहां पर ये हो गया 3 to the power 4 upon 3 to the power 1, 3 को हम लिख सकते हैं 3 to the power 1 लिख सकते हैं, है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, यहां पर ये हो गया 2 to the power 5 बच्चों, है ना, ये अपॉन 2 to the power 5, यहां पर 3 to the power 4 upon 3 to the power 1 मैंने फिर से ऐसे लिख दिया। अब देखिए कौन सा लॉ लगेगा इन दोनों में, कौन से में, इसमें और इसमें लॉ में। देखिए इसमें क्या है, सेम बेस है, डिवाइड हो रहे हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो हो जाएगा 2 to the power इस वाले लॉ से, है ना, सेकंड लॉ से 2 to the power 5 - 5 हो गया बच्चों। ओके, और यहां पर हो गया 3 to the power 4 - 1। इफ टू पावर नंबर्स आर डिवाइडेड विद द सेम बेस देन द पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो ये हो गया 2 to the power 0 बच्चों। ओके, और ये हो गया 3 to the power 3। तो अब आप मुझे बताइए, 2 to the power 0 की वैल्यू क्या होती है, 2 to the power 0 की वैल्यू 1 होती है कि नहीं, 1 × 3 to the power 3। तो आपका फाइनल आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो ये हो जाएगा 3 to the power 3, ठीक है। वाई 2 to the power 0 इज 1, बिकॉज ये लॉ है ना बच्चों, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो, 8 to the power 0 हो, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। याद रखिएगा, 0 to the power 0 नॉट डिफाइंड है, 0 to the power 0 नॉट डिफाइंड है, ये चीज नॉट डिफाइंड है बच्चों, इसको याद रखना आपने, ठीक है। इस तरह का कुछ भी नहीं होता है, 0 को छोड़ के बाकी कोई भी बेस की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू 1 ही होगी, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है बच्चों, बाकी के क्वेश्चन हम